दोस्तों आपके मोबाइल में जो वॉल्यूम बटन है, ये दोनों वॉल्यूम बटन, तो आप इन दोनों वॉल्यूम बटन से आप क्या कर सकते हो वो इस वीडियो में देखने वाले हो। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आपको प्ले स्टोर को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जो वॉल्यूम बटन है वो तो आवाज़ कम ज़्यादा करने के हैं, तो इनसे कुछ करने के लिए हमें ऐप तो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या सर्च करना है, यहाँ पर के नोट। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हो कि ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसको मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है एंड यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे एक पूछा जाएगा क्या सेट वॉल्यूम के पैटर्न। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे कि मैं कर देता हूँ 3 बार ऊपर बटन दबा देता हूँ 3 बार और 1 बार नीचे, और नीचे नेक्स्ट कर देता हूँ कंफर्म करने के लिए 3 बार ऊपर 1 बार नीचे। ये हमारा कंफर्म हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको ये आप भूल जाते हो तो इसमें से एक बीच फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर आप कोई भी एक क्वेश्चन लिख देते हो, जैसे कि मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ जस्ट बताने के लिए। एंड यहाँ पर परमिशन देना पड़ेगा, जो परमिशन मांगे इसको सिंपली अलाउ कर देना है। आप कहने का मतलब ये है कि ये एक एप्लीकेशन है जो कि आपके किससे खोलेगा पता है, आपके बटन से, मोबाइल के जो वॉल्यूम बटन है उनसे। एक परमिशन हो गई, दूसरी परमिशन और दे देते हैं। दोस्तों हमारी जो परमिशन देनी थी वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, जो परमिशन मैंने दी है ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपको इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद जैसे कि ये व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप को जैसे मैंने लॉक कर दिया तो ये लॉक लग गया। अब इसमें क्या होता है कि जब आप व्हाट्सएप खोलोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ बटन दिखाई दे रहे, तो अप एंड डाउन, ठीक है। इस तरीके से ये 3 बार मैंने अप किया एंड यहाँ पर 1 बार दिखाई देगा और दूसरी बार नहीं दिखाएगा। तो जैसे कि मैं इसको लॉक कर देता हूँ एंड 2 बार फिर से खोलता हूँ, तब देखना कि व्हाट्सअप लॉक लग गया है एंड उसको कैसे खोलना है। तो यहाँ पर देख सकते हो व्हाट्सअप एंड यहाँ पर ये ब्लैक पड़ गया, ब्लैक यानी कि कुछ भी नहीं चलेगा। अब खुलेगा कब, 1 2 3 एंड ये डाउन, तो इस तरीके से ये व्हाट्सअप खुल जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये एप्लीकेशन कहाँ है तो इसको खोलने के लिए 1 2 3 एंड यहाँ पर डाउन, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप ढूंढ लेना है। व्हाट्सअप ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि व्हाट्सअप ऊपर ही ऊपर है, ब्लैक का ऑप्शन मिल रहा है एंड ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, कस्टम भी कर सकते हो आप। तो ट्रांसपेरेंट में क्या होगा कि आपकी व्हाट्सअप चिपक कर रह जाएगी, चलेगी नहीं तब तक आप 3 बार ऊपर 1 बार नीचे नहीं करोगे। और कस्टम में आप क्या कर सकते हो, अपनी गैलरी से कोई भी एक फ़ोटो पर यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि मैं फ़ोटोज़ में सेलेक्ट करके अपना फ़ोटो लगा के दिखाई देता हूँ व्हाट्सअप पर, इसमें डिवाइस में कोई फ़ोटो ही नहीं है, सॉरी। यहाँ पर आप फोटो भी लगा सकते हो। एक बार इस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज करना है। यहाँ पर आपको एक स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली अगर आप स्क्रीन लॉक ऑन कर देते हो तो यहाँ पर कुछ परमिशन देना पड़ेगा एंड यहाँ पर ड्रॉ एंड पैटर्न, ठीक है। तो ये जो है सेट हो जाएगा स्क्रीन लॉक की तरफ भी, रन कर दीजिए एंड यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लॉक करने के बाद आपका एक तो ये पासवर्ड लग रहा है एंड दूसरा हमने जो लगाया था अभी वो लगा देती है, 1 2 3 एंड यहाँ पर ये ऑन हो गया। इस तरीके से आप ये एप्लीकेशन में इस तरीके के लॉक लगा सकते हो।